हेलो एवरीवन। तो आज हम अपने एक्सरसाइज डिस्कस को करेंगे। अपने चैप्टर हेलो एलिगेंस और हेलो एलिगेंस चैप्टर को हमने ख़त्म कर चुका है। आई होप आपने भी अपने नोट्स वगैरह कंप्लीट कर लिए होंगे। आपने एटलीस्ट वन टाइम इस पूरे एक्सरसाइज को अपने से किया होगा। अगर नहीं किया है तो आप पहले उसको कर लें ताकि आपको कॉन्फिडेंस हो कि आप इन क्वेश्चन को कर ले रहे हैं, ताकि आपको जब भी ये एग्जाम में तरह क्वेश्चन है तो आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। अगर कोई भी सॉल्यूशन करने में प्रॉब्लम आती है तो उसके लिए हम ये सॉल्यूशन अपलोड करने वाले हैं, तो आप इनमें से वो सॉल्यूशन को आप देख सकते हैं। बट बिफोर दैट आपको ये क्वेश्चन अपने से ट्राई करने हैं। तो आइए हम बारी बारी इन सारे क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 10.1, नेम द फॉलोइंग हैलाइड्स अकॉर्डिंग टू IUPAC सिस्टम एंड क्लासीफाई देम एज अल्काइल अलाइल बेंजाइल इन विच प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्सरी विनाइल और अराइल हैलाइड। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें उसकी IUPAC नेमिंग करनी है, एंड आफ्टर दैट हमें उसको ये बताना है कि वो प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी है और उनमें वो अलाइल हैलाइड है या अल्काइल हैलाइड है। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। अगर हम फर्स्ट को डिस्कस करें तो फर्स्ट क्या है हमारा CH, इससे दो CH3 लगे हुए हैं, फर्दर एक CH है और इससे एक CL है, एंड ये है हमारा CH3। ठीक है, अब हमें नंबरिंग करना हो तो आप मुझे बताएं कि नंबरिंग किस साइड से हम करें, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट और फ्रॉम लेफ्ट राइट टू लेफ्ट। हमारी करेक्ट नंबरिंग होगी फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। क्यों? क्योंकि ये दोनों ही पोजीशन, अगर हम लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो ये सेकेंड पोजिशन पर आएगा और हम राइट टू लेफ्ट पर जाएंगे तो ये सेकेंड पोजिशन पर आएगा। तो जब इस तरह का धर्म संकट हो, इन दैट केस हम क्या करते हैं, अल्फाबेटिकल ऑर्डर करते हैं। अल्फाबेटिकली जो है क्लोरो जो है वो पहले आएगा एज कम्पेयर टू मिथाइल, क्योंकि क्लोरो में सी है और इसमें मिथाइल होगा एम, तो अल्फाबेटिकली सी पहले आता है। नंबरिंग हमारी क्या होगी, राइट साइड टू लेफ्ट साइड। तो इसकी नंबरिंग हम करते हैं 1, 2, 3। अब आप ऊपर चले जाएं या नीचे चले जाएं कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं नीचे चले जाता हूँ 4। अब हम इसकी नंबरिंग कर लिए, अब नेमिंग करते हैं। नेमिंग जब करेंगे हम तो क्या होगा, 2 क्लोरो 3 मिथाइल वन टू थ्री फोर, टायरेन चेन में हमारे 4 कार्बन है तो कौन सा होगा, ये ब्यूटेन होगा। ठीक है, अब ये क्वेश्चन नंबर हम सेकंड डिस्कस करते हैं, इसको इरेज कर देते हैं। अच्छा, बिफोर दैट मैं इस क्वेश्चन में कर दे रहा हूँ, आप इसी बेसिस पर आप इस क्वेश्चन में टाइप ऑफ हैलाइड अपना डिस्कस कर लीजिएगा या फिर वापस आ सकता है क्या। हाँ आ तो गए। अगर हम इसमें टाइप ऑफ हैलाइड की डिस्कस करें कि वो 1 डिग्री है, 2 डिग्री है या 3 डिग्री है, जिन्हें हम प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी बोलते हैं, तो आपको जब भी ऐसा क्वेश्चन दिया जाए तो आप एक बात ध्यान दें कि जिससे हैलाइड लगा है उस कार्बन को आप सर्कल कर दें। ठीक, अब ये सर्कल्ड जो कार्बन है ये जितने भी कार्बन से ऐड होगा उतने ही डिग्री होगी इसकी। ये कितने कार्बन से, 1 एंड 2, 2 कार्बन से ऐड है तो ये 2 डिग्री होगा और 2 डिग्री को हम सेकेंडरी बोलते हैं। तो इसको हम टाइप ऑफ हैलाइड में अगर हम जब क्लासिफाई करेंगे तो ये हमारा क्या होगा, सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड। ये होगा हमारा क्या, सेकेंडरी, ये नहीं होगा, सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड। ठीक है,
अब जो क्वेश्चन नंबर सेकंड है हम उसको देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है? सेकंड है CH3, CH2, CH, CH3, CH, Cl, CH2, CH3। जब आप इसको ओपन करेंगे तो कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर बनेगा। अब हमें क्या करना होगा? नंबरिंग करना होगा। अब हमें इसकी क्या करनी होगी? नंबरिंग करनी होगी। नंबरिंग हम करते हैं, अगेन वही है प्रॉब्लम। यहां से अगर जाएंगे तो ये तीसरे नंबर पे आएगा, और इधर से जाएंगे तो ये तीसरे नंबर पे आएगा। तो जब इन्हीं का सेम पोजीशन आ रहा है तब तो हमें अल्फाबेटिकली चलना होगा। तो हम करेक्ट क्या होगा ऑर्डर? ये 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। अब इसकी नेमिंग हम करेंगे, तो नेमिंग जब करेंगे तो ये होगा 3 क्लोरो, 4 मिथाइल, 6 कार्बन है पेरेंट चेन में, तो ये क्या हो जाएगा? हेक्सेन। ठीक है, अब टाइप ऑफ हेलाइड हम देख लेते हैं। तो अगेन हम प्रीवियस वाला ही ट्रिक यूज करेंगे, जिससे ये अटैच्ड है क्लोरीन, उसको हम सर्कल कर देंगे। आफ्टर दैट हम देखेंगे जो सर्कल कार्बन है, जिसे हमने सर्कल किया, ये कितने नंबर ऑफ कार्बन से ऐड है। एक इधर है और एक इधर है, मतलब दो हैं, तो ये 2 डिग्री होगा। और 2 डिग्री के लिए हम सेकेंडरी यूज करते हैं, तो ये होगा हमारा सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड। ठीक है, तो आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये सेकेंड हो गया हमारा, थर्ड देखते हैं। थर्ड क्या है? CH3CH2, CH3CH2, सी इस पर 2 CH3 हैं, एंड फर्दर इसकी जो वैलेंसी कंप्लीट हो रही है वो CH2I से कंप्लीट हो रही है। तो ये होगा CH2 और इससे है I। अब हमें फिर अगेन नंबरिंग करना है, तो नंबरिंग हम कहाँ करेंगे? राइट टू लेफ्ट। तो ये हो जाएगा 1, 2, 3, 4। तो जब नेमिंग हम करेंगे तो ये क्या होगा? 1 iodo 2,2 dimethyl, और पेरेंट चेन में सिंस 4 कार्बन है तो ये क्या हो जाएगा? ब्यूटेन। ठीक है, अब टाइप ऑफ हेलाइड की अगर हम बात करें तो इससे है हमारा हेलाइड, तो इसी को हम सर्कल करेंगे। आफ्टर सर्कल जो हम कर लेंगे, देखेंगे कि ये सर्कल्ड कार्बन जो है कितने कार्बन से ऐड है, तो सिर्फ इसी कार्बन से ऐड है, क्योंकि तो ना राइट साइड कोई कार्बन है और ना ही ऊपर या नीचे। बाकी की दो वैलेंसी तो हाइड्रोजन कंप्लीट कर रहे हैं ना, कार्बन तो कर नहीं रहे हैं। मतलब क्या है? 1 डिग्री है, और ये 1 डिग्री है, तो 1 डिग्री के लिए हम क्या यूज करते हैं? प्राइमरी। तो आप इसे प्राइमरी अल्काइल हेलाइड बोलेंगे। ठीक है, ये थी हमारी क्वेश्चन नंबर 3। अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? CH3 होल थ्राइस सी, मतलब एक सी कार्बन पर 3 CH3 ग्रुप है, तो लगा लेते हैं 3 CH3 ग्रुप। 3 CH3 हो गए, सी हो गया, दूसरा क्या है? CH2, फिर है CH, इसी CH पर है Br, एंड आफ्टर डेट है C6H5। अगर कहीं भी आपको C6H5 दिख जाए तो इसका मतलब होता है कि ये बेंजीन रिंग है। मतलब आप इस C6H5 को मिटा करके बेंजीन भी बना सकते हैं। बेंजीन की स्ट्रक्चर क्या होती है? ये हो गया हमारा बेंजीन। ठीक, और बेंजीन का ये प्रीफिक्स जब हम लिखते हैं तो इसे हम फिनाइल लिखते हैं। ठीक है ना,
तो जब इसकी हम नेमिंग करेंगे तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या करना होगा, नंबरिंग, नंबरिंग हम किधर से करेंगे, इधर से ही करेंगे। तो ये 1, 2, 3 एंड 4। अब फर्स्ट क्या आएगा, ब्रोमो आएगा, ठीक ना। तो 1 ब्रोमो, ठीक। अब इनकी क्या, ये मिथाइल है और ये फिनाइल है, अल्फाबेटिकली मिथाइल पहले आएगा। तो इसके बाद ब्रोमो के बाद क्या आएगा, मिथाइल। तो 1 ब्रोमो 2,2 डाई मिथाइल 1 फिनाइल ब्यूटेन, ये क्या होगा हमारा, 1 ब्रोमो 3,3 डाई मिथाइल 1 फिनाइल ब्यूटेन। ये होगी हमारी आईयूपीएसी नेमिंग। अब हम टाइप ऑफ हैलाइड की बात कर लेते हैं। तो अगर हम टाइप ऑफ हैलाइड की बात करें तो सिंस ये कार्बन से, जो बेंजीन रिंग कार्बन से ऐड है, जब भी इस तरह के हैलाइड होते हैं, ये CH2 है और ये Br है या कोई भी हाइड्रोजन ग्रुप है, इसको हम बेंजाइलिक पोजीशन बोलते हैं, बोलते हैं ना। तो ये कौन सी है, बेंजाइलिक पोजीशन है। तो जब हम इसको, अब हम इसको अल्काइल तो बोल नहीं सकते, तो अल्काइल की जगह पर हम क्या बोलेंगे, बेंजाइल। तो ये पता चला कि ये हमारा बेंजाइल होगा, ठीक। अब बात आ रही है कि ये कितने डिग्री का होगा। तो अगर हम डिग्री चेक करें तो इस कार्बन से हमारा ब्रोमीन ऐड है, इससे एक कार्बन इधर है और एक कार्बन इधर है, मतलब 2 डिग्री है। मतलब मतलब जब जब हम हम इसकी इसकी क्लासिफिकेशन क्लासिफिकेशन करेंगे करेंगे तो तो ये ये होगा होगा हमारा हमारा सेकेंडरी सेकेंडरी बेंजाइल बेंजाइल या या बेंजाइलिक बेंजाइलिक हैलाइड, हैलाइड, ठीक ठीक है। है। ये ये होगी होगी हमारी हमारी क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन। अब चलते चलते क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर नंबर 5 5 पर। पर। ये ये क्या क्या है, है, CH3 CH CH3 CH Br and CH3, CH3 इसको इसको ओपन ओपन करते करते हैं। हैं। ये ये क्या क्या हुआ, हुआ, CH3 CH3 CH, CH, अब अगेन यहाँ इसी इसी पर पर है है CH3, CH3, फिर फिर है CH CH Br Br एंड एंड CH3, CH3, ठीक ठीक है। है। अब अब इसकी इसकी हम हम क्या क्या करेंगे, करेंगे, नंबरिंग, नंबरिंग नंबरिंग हम हम राइट टू राइट टू लेफ्ट लेफ्ट करेंगे, करेंगे, 1, 2, 3 एंड 4। तो तो इसकी इसकी नेमिंग नेमिंग क्या क्या होगी, होगी, टू टू ब्रोमो ब्रोमो थ्री थ्री मिथाइल ब्यूटेन। ब्यूटेन। अब अब टाइप टाइप ऑफ ऑफ हैलाइड हैलाइड की की अगर अगर हम हम बात बात करें करें और और क्लासिफिकेशन क्लासिफिकेशन के, के, तो तो इस इस वाले वाले कार्बन कार्बन से से हैलाइड हैलाइड ऐड ऐड है, है, इसको इसको हमने हमने सर्कल सर्कल कर कर दिया, दिया, एक एक कार्बन कार्बन इधर इधर है है, एक एक इधर इधर है, है, ठीक ठीक है। है। तो तो ये ये क्या क्या होगा, होगा, 2 डिग्री2 डिग्री हैलाइड हैलाइड होगा होगा जिसे जिसे हम हम सेकेंडरी सेकेंडरी अल्काइल अल्काइल हैलाइड, हैलाइड ओपन ओपन चेन चेन है है और और ऊपर ऊपर से से सभी सभी एल्केन एल्केन है, है, तो तो हम हम अल्काइल अल्काइल हैलाइड हैलाइड को को हम हम बोलेंगे, बोलेंगे, ठीक ठीक है। है। ये ये था था हमारा हमारा क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर नंबर 5।5। क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर नंबर 6 6 को को देखते देखते हैं। हैं। क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर नंबर 6 6 क्या क्या है, है, सी सी एच एच थ्री थ्री सी 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 टू टू एच एच फाइव, फाइव, तो तो इसको इसको हम हम ओपन ओपन कर कर लेते लेते हैं हैं सी सी एच एच टू टू सी सी एच एच थ्री थ्री और और ये ये टू टू टाइम्स टाइम्स है, है, टू टू टाइम्स टाइम्स है, है, मतलब मतलब ऊपर ऊपर भी भी हुआ हुआ होगा होगा ना, ना, नीचे नीचे भी भी होगा। होगा। फिर फिर है है इसे इसे सी सी एच एच टू टू एंड एंड बी बी आर। आर। अब अब हम हम इसकी इसकी क्या क्या करेंगे, करेंगे, नंबरिंग नंबरिंग करेंगे। करेंगे। तो तो नंबरिंग नंबरिंग हम हम करते करते हैं, हैं, नंबरिंग नंबरिंग करने करने के के दौरान दौरान हम हम एक एक बात बात ध्यान ध्यान रखते रखते हैं, हैं, जो जो पेरेंट पेरेंट चेन चेन होता होता है है वो वो सबसे सबसे लंबी लंबी चेन चेन होनी होनी चाहिए। चाहिए। तो तो सबसे सबसे लंबी लंबी चेन चेन होने होने के के लिए लिए आप आप या या तो तो ये ये वाली वाली पाथ पाथ फॉलो फॉलो करो करो या या ये ये वाली वाली करो। करो। अगर अगर दोनों दोनों ही ही सेम सेम है, है, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, मैं मैं नीचे नीचे वाली वाली फॉलो फॉलो करता करता हूँ। हूँ। तो तो ये ये 1, 2, 3, 4। अब अब जब जब नेमिंग नेमिंग करेंगे करेंगे तो तो ये क्या क्या होगा, होगा, 1 ब्रोमो ब्रोमो
टू इथाइल, ठीक ठीक है, है, टू टू पर पर इथाइल इथाइल है है एंड एंड टू टू मिथाइल, मिथाइल, पेरेंट पेरेंट चेन चेन में में कितने कितने हैं? हैं? चार चार हैं, हैं, तो तो ये ये क्या क्या होगा? होगा? ब्यूटेन। ब्यूटेन। वन ब्रोमो, टू टू इथाइल, इथाइल, टू टू मिथाइल मिथाइल एंड एंड ब्यूटेन। ब्यूटेन। अब अब क्लासिफिकेशन क्लासिफिकेशन करें करें हम, हम, तो तो इस इस वाले वाले कार्बन कार्बन को को हम हम क्या क्या करेंगे? करेंगे? सर्कल सर्कल करेंगे। करेंगे। अब अब ये ये वाली वाली कार्बन कार्बन सिर्फ सिर्फ एक एक ही ही कार्बन कार्बन से से ऐड ऐड है, है, तो तो ये ये क्या क्या होगा? होगा? वन वन डिग्री डिग्री हैलाइड हैलाइड होगा, होगा, मतलब मतलब ये ये क्या क्या होगा? होगा? प्राइमरी प्राइमरी अल्काइल अल्काइल हैलाइड, हैलाइड, ये ये क्या क्या होगा? होगा? प्राइमरी प्राइमरी अल्काइल अल्काइल हैलाइड। हैलाइड। चलिए चलिए आइए आइए, अब अब क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर नंबर सेवन सेवन देखते देखते हैं। हैं। क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर नंबर सेवन सेवन क्या क्या है है कि कि सी एस सीएसपी थ्री होल होल साइज साइज सी, सी, मतलब मतलब एक एक ही ही कार्बन कार्बन पे पे तीन तीन सी एस सीएसपी थ्री ग्रुप ग्रुप लगे लगे हैं। हैं। सी एस थ्री सीएसपी होल होल साइज साइज सी, सी, फिर फिर है सी सीएल एल और और सी सी टू टू एच एच फाइव फाइव सी सी एच एच टू टू एंड एंड सी सी एस एस थ्री थ्री। सी एस थ्री सी सॉरी, सॉरी ये जो है सी एस थ्री होल साइज नहीं है, ये क्या है? ये सी एस थ्री सी है, सी सी एच थ्री और फर्दर है सी एल, ये हो गया हमारा सी एल। आफ्टर दैट है सी टू एच फाइव, तो सी टू एच फाइव को हम सी एच टू सी एस थ्री लिख देते ओपन करके, और आगे जब बढ़ेंगे तो ये है हमारा सी एच टू एंड सी एस थ्री, ये है हमारा गिवन कंपाउंड इन ओपन जब हम इसको करेंगे। आइए नंबरिंग करते हैं। जब नंबरिंग करेंगे तो क्या होगा? वन टू थ्री फोर एंड फाइव। तो ये जब नंबरिंग हो जाएगा तो इसकी जब नेमिंग करेंगे हम, तो क्या होगा? थ्री क्लोरो, थ्री मिथाइल, वन टू थ्री फोर फाइव पेंटेन। ये होगा हमारा इसकी नेमिंग। अब टाइप ऑफ हेलाइड हम देख लेते हैं, तो इसी कार्बन से हमारा हेलाइड लगा हुआ है। अब ये कार्बन एक इधर इस कार्बन से लगा है, एक इससे लगा है एंड एक इससे लगा है, ये कौन सा है? थ्री डिग्री हेलाइड है। थ्री डिग्री हेलाइड के लिए हम टर्सरी यूज करते हैं, तो ये क्या होगा? हमारा टर्सियरी अल्काइल हेलाइड होगा, ठीक है। ये थी बात हमारी क्वेश्चन नंबर सेवन की। अब क्वेश्चन नंबर हम एट डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर एट क्या है कि सी एच थ्री सी एच डबल बॉन्ड सी सी एल सी एच टू सी एच और इधर है सी एस थ्री एंड सी एच थ्री। अब इसमें हमें नंबरिंग करना है, बताइए किधर से करेंगे? फ्रॉम राइट टू लेफ्ट या लेफ्ट टू राइट? तो इसकी नंबरिंग होगी फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, तो ये वन टू थ्री फोर फाइव एंड सिक्स, क्योंकि हमें लॉन्गेस्ट चेन लेना होता है, तो हमने इसको नंबरिंग कर लिया। अब इसकी नेमिंग करते हैं, तो जब नेमिंग करेंगे तो क्या होगा? थ्री क्लोरो, फाइव पर क्या है? मिथाइल है, तो फाइव मिथाइल, पैरेंट चेन में सिक्स कार्बन है तो हेक्स, और सेकेंड नंबर पर हमारा क्या है? एल्कीन, तो हेक्स टू ईन, ये होगी हमारी नेमिंग। ये बेसिकली डबल बॉन्डेड का सिस्टम था, तो इसकी नेमिंग हमारी क्या है? थ्री क्लोरो फाइव मिथाइल हेक्स टू ईन। अब हमें इसमें टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ हेलाइड की बेसिस पर हमें टाइप ऑफ हेलाइड बताना है। तो मैंने आपको बताया था कि जब भी डबल बॉन्ड के जस्ट अगले कार्बन पर कोई भी हेलाइड ग्रुप हो तो उसे हम विनाइलिक हेलाइड बोलते हैं।
ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर ये CH2 डबल बॉन्ड CH और डबल बॉन्डेड कार्बन से ही अगर कोई हेलाइड लगा है तो इसे हम विनाइलिक हेलाइड बोलते हैं। और अगर यही CH जो Cl है इसी कार्बन पर न लगकर जस्ट एक कार्बन के बाद लगा हो तो इसे हम अलाइलिक हेलाइड बोलते हैं। ठीक है, तो ये थी हमारी विनाइलिक एंड अलाइलिक हेलाइड। तो अब यहां पर हम बात करते हैं कि ये कौन सा है। तो ये विनाइलिक हेलाइड है। अब ये 1 डिग्री है या 2 डिग्री है, तो अगर हम बात करें तो एक कार्बन इससे है और एक कार्बन ये है, तो ये क्या होगा? क्या हम इसको सेकेंडरी बोलेंगे? इसको हम विनाइलिक हेलाइड बोलेंगे। जब हम इसको क्लासिफिकेशन ऑफ हेलाइड बोलेंगे तो हम इसे विनाइलिक हेलाइड बोलेंगे। ये प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शरी जो वर्ड है वो सिर्फ अल्काइल हेलाइड्स के लिए यूज होता है। ठीक है, तो अब हम आगे देखते हैं। सिंस ये विनाइलिक हेलाइड है तो यहाँ पर विनाइलिक हेलाइड हो गया। ये थी क्वेश्चन नंबर हमारी कौन सी, ये थी क्वेश्चन नंबर 8। फर्दर 8 हो गया हमारा। अब हमें 9 डिस्कस करना है। तो 9 क्या है? CH3 CH डबल बॉन्ड CH C बी आर एंड 2 CH3 ग्रुप्स। अब अगेन हमें नंबरिंग करना है, तो बताइए हम नंबरिंग किस साइड से करेंगे? अब चूंकि अगर हम इधर से चलें तो 1 2 3 4 5 ये नंबरिंग आएगी हमारी, बट ये नंबरिंग तो तब सही होती जब ये हमारा अल्किन ना होकर अल्केन होता, मतलब ये डबल बॉन्ड ना होता, सिर्फ सिंगल बॉन्ड होते तब ये सही होता, बट नाउ दिस इज इनकरेक्ट। हमें जो है प्रायोरिटी जिसको देनी है वो हमें प्रायोरिटी देनी है किसको? डबल बॉन्ड को। तो हम नंबरिंग किधर से करेंगे? फ्रॉम हियर 1 2 3 4 एंड 5। अब जब इसकी हम नेमिंग करेंगे क्या होगा? 4 ब्रोमो, 4 मिथाइल, 4 से ब्रोमो है, 4th पे मिथाइल है, 4 ब्रोमो 4 मिथाइल पेंट, क्योंकि 5 कार्बन है, 2 ईन, क्योंकि सेकेंड नंबर पर क्या है? ईन है, अल्कीन। ठीक, अब इस तरह के हेलाइड को मैं आपको बताया कि जस्ट जस्ट डबल बॉन्ड के नेक्स्ट कार्बन पर अगर कोई हेलाइड हो तो इसको हम अलाइलिक हेलाइड बोलते हैं। अभी प्रीवियस पेज पे ही बताया था आपको। तो ये हमारी क्या होगी? अलाइलिक हेलाइड होगी। ठीक है, अभी ये पेज कहाँ चला गया? डिलीट हो गया क्या? अभी मैं इसको सॉल्व करता हूँ। तो हमने अभी क्वेश्चन नंबर 9 कर लिया था, अब क्वेश्चन नंबर हम 10 डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है कि यह है पैरा। जहां भी अब पी दिखे आपको इसका मतलब होता है पैरा, बताया था ना, ऑर्थोमेटा पैरा। Cl C6H4, मतलब पैरा पोजीशन पर C6H4 में जो Cl है एंड देन CH2CH एंड CH3 होल्ड हो। आइए देखते हैं ओपन करके। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या करना होगा? C6H,
C6H6 बेंजीन होता है, ये हमने बेंजीन बना दिया। अब पैरा पोजीशन पर क्या है, सीएल है, तो हमने पैरा पोजीशन पर सीएल लगा दिया। किसके रिस्पेक्ट में, CH2 CH CH3 एंड CH3, यही तो होगा। इसके रिस्पेक्ट में हमें पैरा पोजीशन पर क्लोरीन लगाना है, क्लोरीन लगाना है C6H4 में। अब आप देख लीजिए, दो हाइड्रोजन निकल गए तो C6H4 बन गया ये, और फर्दर ये CH2 है, इसे CH लगे हैं और दो CH3 लगे हैं। अब हमें इसकी आयोकेशन नेमिंग करनी है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या करना होगा, इसकी नेमिंग करनी होगी। तो नेमिंग कहाँ से स्टार्ट करेंगे, यहाँ से 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। बेसिकली 1 एंड 4 जो हमें पोजीशन मिल गया, ठीक है। तो जो हम अब बिफोर दैट इसकी नेमिंग करें, हमको इसको भी नेमिंग करना होगा, है ना। तो इसकी भी हम नंबरिंग कर देते हैं, कहाँ से, यहाँ से 1, 2, 3। तो अब हम आगे करते हैं नेमिंग। ये क्या होगा, 1 क्लोरो होगा, ठीक। अब फोर्थ पर क्या होगा, फोर्थ पर हम इसको नेमिंग करेंगे। तो फोर्थ की जो नेमिंग होगी ये भी अकॉर्डिंग टू अब आयु आयुपीएससी होगी। अब इसकी जो हम नेमिंग करेंगे तो क्या होगा, 2 मिथाइल, 2 पर क्या है, मिथाइल, हम इसकी नेमिंग कर रहे हैं इन वाले ग्रुप्स की। 2 पर क्या है, मिथाइल, और 1, 2, 3 प्रोपेन होना चाहिए था, बट इसको खुद हम एज ए प्रीफिक्स यूज करने वाले हैं, तो क्या होगा, प्रोपाइल होगा, नॉट प्रोपेन, इट विल बी प्रोपाइल। तो जब यहां पर फोर्थ पर जब हम लिखेंगे तो हम इसको लिखेंगे 2 मिथाइल प्रोपाइल, फिर ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे, एंड फाइनली जो हमारी पेरेंट चेन है दैट इज बेंजीन। ये होगी हमारी नेमिंग, 1 क्लोरो एंड फोर्थ पोजीशन पर है हमारी 2 मिथाइल प्रोपाइल बेंजीन। अब टाइप ऑफ हेलाइड हम देख लेते हैं। अगर हम टाइप ऑफ हेलाइड देखें तो ये डायरेक्टली बेंजीन से ऐड है। इस तरह के हेलाइड कौन से होते हैं, अराइल हेलाइड होते हैं। ये क्या होगा, अराइल हेलाइड होगा, ठीक है। ठीक है, तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 11, ये भी कुछ उसी टाइप का मिलता जुलता क्वेश्चन है। ये क्या मेटा है, इस बार एम है मतलब मेटा है, एंड देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऑर्थो भी है, और ऑर्थो मेटा पैरा तीनों के क्वेश्चन की दोनों। तो अब इस बार जो है मेटा पोजीशन पर क्या है, क्लोरो है। तो हमने लगा दिया मेटा पर क्लोरो। अब इसके रिस्पेक्ट में इसको मेटा होना है, मतलब इसको क्या होना पड़ेगा, यहां पर वो सब्स्टिट्यूएंट होना चाहिए, ठीक है। अब क्या है, मेटा पर क्लोरो है, CH2 है, आई थिंक CH2Cl है, ये दिस इज नॉट Cl, दिस इज CH2Cl। ये है हमारा CH2Cl हो गया, फिर C6H4, फिर है CH2, ये हो गया हमारा CH2, फिर है CH3, CH2 हो गया हमारा, C हो गया, एंड इस पर जो है तीन क्या है, CH3 ग्रुप है। ये हुई हमारी ओपन स्ट्रक्चर इस जो है गिवन कंपाउंड की। अब हमें क्या करना है, इसकी नेमिंग करना है। तो बिफोर नेमिंग हमें इसकी नंबरिंग करनी होगी।
नंबरिंग करते हैं, 1, 2, 3। अब इस बल की ग्रुप का भी हमें नेमिंग करना होगा, तो यहां से स्टार्ट करेंगे 1, 2 एंड 3। इसके जगह पे जो हम यूज करने वाले हैं वो होगा क्या, 2,2-डाइमिथाइल। वन टू थ्री तो प्रोपेन होता, बट यहां पर क्या होगा, प्रोपाइल। ठीक है, अब ये हो गया हमारा थर्ड पोजीशन पर आकर लगेगा और ये फर्स्ट पोजीशन पर। तो जब हम इसकी नेमिंग करेंगे तो फर्स्ट पर ये होगा, इसको हम क्लोरोमिथाइल बोलेंगे। ये होगा हमारा क्लोरोमिथाइल। ठीक, थर्ड पोजीशन पर क्या होगा, थर्ड पर होगा 2,2-डाइमिथाइल प्रोपाइल। तो इसको हम ब्रैकेट में डाल लेते हैं, 2,2-डाइमिथाइल प्रोपाइल। ठीक है, ये हो गया हमारा 2,2-डाइमिथाइल प्रोपाइल। मतलब अब सब्स्टिट्यूएंट काम खत्म। तो अब बचा कौन, पैरेंट चेन। पैरेंट चेन क्या है, बेंजीन। तो ये हो गई हमारी कंप्लीट नेमिंग, 1-क्लोरोमिथाइल। थर्ड पोजीशन पर है 2,2-डाइमिथाइल प्रोपाइल बेंजीन। अब ये किस टाइप का हेलाइड है। अब बेंजीन रिंग सिर्फ होता और डायरेक्टली ऐड होता तो ये अराइल हेलाइड होता, और जस्ट एक कार्बन अगर छोड़कर है ये क्लोरीन लगा हुआ, तो इसे हम क्या बोलते हैं, इसे हम एराइल हेलाइड बोलते हैं और इसे हम बेंजाइल हेलाइड बोलते हैं या फिर बेंजाइलिक हेलाइड। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा क्या, बेंजाइलिक हेलाइड। तो क्लासिफिकेशन जब हम करेंगे इसका, तो करेंगे हम इसको बोलेंगे बेंजाइलिक हेलाइड। ये हो गया हमारा क्वेश्चन सॉल्व। अब हम देखते हैं अपना नेक्स्ट एंड इस सेक्शन का लास्ट क्वेश्चन। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन क्या है, 12, ऑर्थो पर है ब्रोमीन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या करना होगा, बेंजीन बना लो। हमें ऑर्थो पर क्या रखना है, ब्रोमीन। हमने मान लीजिए यहां पर ब्रोमीन लिख दिया, तो यहां पर जब कोई सब्स्टिट्यूएंट होगा तभी ऑर्थो पोजीशन पर होगा, और यहां की सब्स्टिट्यूएंट क्या है, CH है। देखते हैं, लिखते चलते हैं, CH है, इससे CH3 है, एंड फर्दर CH2 है और CH3 है। अब इसके रिस्पेक्ट में ये ऑर्थो पोजीशन पर है, तो ऑर्थो ब्रोमीन हुआ, C6H4 हुआ और ये बल्क की ग्रुप हुआ। अब अगेन हमें नंबरिंग करना होगा, तो ये 1 होगा, ये 2 होगा, और ये इस बल्क की ग्रुप की भी नंबरिंग करनी होगी, तो ये 1, 2 एंड 3 होगा। तो इस बल्क की ग्रुप की नंबरिंग हम पहले कर लेते हैं, तो ये क्या होगा, 1 पर मिथाइल है, तो ये होगा 1-मिथाइल, और 1, 2, 3 तो ये प्रोपेन होता, बट एज अ इसको हम सब्स्टिट्यूएंट यूज करना है हमें, तो ये क्या होगा, प्रोपाइल होगा। इसकी नेमिंग क्या होगी, 1-मिथाइल प्रोपाइल। अब इसकी नेमिंग एक्चुअल करते हैं हम इस पूरे कंपाउंड की, तो ये क्या होगा, 1-ब्रोमो 2 पर, इन ब्रैकेट हम लिखेंगे, यहां से हम लिख देता हूं मैं ये ब्रैकेट, फिर क्या होगा, 1-मिथाइल प्रोपाइल। ठीक है, और पेरेंट चेन हमारी क्या है, बेंजीन। ये क्या होगा, बेंजीन होगा। ये हमारी कंप्लीट होगी नेमिंग, 1-ब्रोमो। फर्स्ट पर क्या है, ब्रोमो है। सेकेंड पर है हमारा 1-मिथाइल प्रोपाइल। ठीक है, एंड लास्ट हमारा बेंजीन है। अब सीन्स ये ब्रोमीन जो है डायरेक्टली कार्बन से ऐड है, तो ये कौन सा होगा, अराइल हैलाइड होगा। तो ये हो गई हमारी क्लासिफिकेशन ऑफ दिस। ठीक है,
तो अब ये क्वेश्चन हमारी हो गई सॉल्व पूरी, हमने 12 का डिस्कशन कर लिया। अब 10.2 पर चलते हैं, गिव द आईयूपीएसी नेम्स ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स। अगेन हमें आईयूपीएसी नेमिंग ही करनी है, थोड़ी डिफरेंट क्वेश्चन है, तो मैं इसको थोड़ा छोटा कर देता हूँ ताकि मुझे स्पेस मिल सके, स्पेस की कमी हो जा रही है। हाँ अब ठीक है, ठीक है, अब इसको स्टार्ट करते हैं। 12 10.2, गिव द आईयूपीएसी नेम्स ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स। CH3CH, इस पर Cl लगा है, फर्दर एक CH पर Br लगा है एंड CH3 लगा है। आइए देखते हैं, ये CH3CH, इस CH पर हमारा क्लोरीन लगा है, फर्दर जो CH है उस पर ब्रोमीन लगा है एंड आफ्टर दैट हमारा CH3 लगा है। अब नंबरिंग किससे करें, अगर इधर से भी करें तो भी सेकेंड नंबर पे एक सब्स्टिट्यूएंट है और इधर से भी करें तो भी एक सब्स्टिट्यूएंट है। तो अगेन अगर हम इसकी जब नेमिंग करेंगे तो ये हमारा क्लोरो होगा और ये हमारा ब्रोमो होगा, अल्फाबेटिकली बी पहले आएगा सी से, तो हम नंबरिंग इधर से करेंगे 1 2 3 4, ठीक है। तो इसकी जो नेमिंग होगी वो होगी 2 ब्रोमो 3 क्लोरो 1 2 3 4, चार कार्बन है, ठीक क्या होगा ब्यूटेन। अब इसमें हमें कोई क्लासिफिकेशन नहीं करना है, अगर आपको करना भी है तो आप कर लीजिए कि इस क्लोरीन की जब हम बात करेंगे तो ये इस कार्बन से ऐड है और ये कार्बन दो कार्बन से ऐड है तो ये सेकेंडरी होगा। और सिमिलरली जब हम इस ब्रोमीन की बात करेंगे तो इसको जब हम सर्कल करेंगे तो ये इस वाले कार्बन से होगा, ये इस वाले कार्बन से होगा, तो अगेन ये 2 डिग्री होगा जिसे हम सेकेंडरी बोलते हैं, ठीक है। तो ये हो गई हमारी फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व। आइए नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट क्या है, ये रहा नेक्स्ट, ये रहा CHF2, CH F2 CBr CL, सॉरी दिस इज CL, और इसी पर है हमारा फ्लोरीन भी। क्या कंपाउंड सही बनाया मैंने, CH F2, अगेन जो नेक्स्ट कार्बन है उस पे ब्रोमीन क्लोरीन एंड फ्लोरीन। हाँ सही। अब सिंस इसके ऊपर सबसे ज्यादा सब्स्टिट्यूएंट्स है, इसके पास 3 सब्स्टिट्यूएंट्स हैं 1 2 1 2 3 एंड इसके पास सिर्फ 2 हैं, तो नंबरिंग हम इस वाले कार्बन से स्टार्ट करेंगे। आइए स्टार्ट करते, ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 2। अब 1 पर कितने सब्स्टिट्यूएंट्स हैं उनकी हम नेमिंग कर लेते हैं। तो 1 पर है फ्लोरो क्लोरो ब्रोमो, है ना। आइए देखता हूं, CH F2 है, ये C है, Br है, Cl है एंड F है, तो ये क्या होगा 1 ब्रोमो, ये हमने क्या किया 1 पर ब्रोमो ले लिया, फिर 1 पर क्या है क्लोरीन, तो ये हो जाएगा क्लोरो। फर्दर अब 1 1 होगा, अब सिंस फ्लोरीन ही 3 टाइम्स है तो हम 1 फ्लोरो फिर 2 2 फ्लोरो डाइफ्लोरो लिखे, ये गलत होगा, हम इन तीनों को एक ही बार में लिख देते हैं, नंबरिंग बस चेंज कर देते हैं, तो नंबरिंग किस तरह चेंज करेंगे, 1 हो जाएगा, फिर जब 1 2 2 ट्राई फ्लोरो क्योंकि इससे अब क्या पता चल रहा है कि 1 पे भी फ्लोरो है और 2 पर 2 फ्लोरो है, तो 1 2 2 ट्राई फ्लोरो और इसकी क्या होगी इथेन होगा। ठीक है, तो ये होगी हमारी नंबरिंग।
आइए फर्दर अब आगे चलते हैं। जो नेक्स्ट है हमारा थ्री वो है सी एल सी एच टू एंड सी ट्रिपल बॉन्ड सी सी एच टू एंड बी आर। ठीक है, एक सी एल हो गया, फिर सी एच टू है, फिर ट्रिपल बॉन्ड है, अगेन सी एच टू है एंड देन बी आर है। अब नंबरिंग करेंगे किस साइड से, ये ब्रोमो है और ये क्लोरो है, तो अल्फाबेटिकली ब्रोमो पहले आएगा, तो वन टू थ्री फोर एंड फाइव, सॉरी ये नहीं होगा, ये फोर होगा, तो ये वन पर क्या होगा ब्रोमो, फोर पर होगा क्लोरो एंड वन टू थ्री फोर है तो ब्यूट टू आइन। ठीक है, ये होगा हमारा नेमिंग, वन ब्रोमो फोर क्लोरो ब्यूट, और सेकेंड पोजीशन पे ट्रिपल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड के लिए हम आयन यूज करते हैं, तो ये हो जाएगा वन ब्रोमो फोर क्लोरो ब्यूट टू आयन। ठीक है, चलिए फोर्थ क्वेश्चन, सी सी एल थ्री एक मिनट इसको पहले देख लेता हूँ, कुछ गड़बड़ किया है। ओ शिट, एक मिनट रुक जाइए, फिर गड़बड़ हो गया, वो भाग गया, आ सकता है क्या, आ गया। ये बेसिकली सीसीएल थ्री का होल साइज है, यही कंफ्यूज कर रहा था, उस पर पेन चल गया था। तो ये क्या है सी, इससे है सी एल और इससे हमारा है सी सी एल थ्री, ये भी है, ये भी है सी सी एल थ्री एंड ये भी है सी सी एल थ्री, इसकी नेमिंग हमें करना है। अब हमें फर्स्ट ऑफ ऑल नेमिंग के पहले इसकी नंबरिंग करनी होगी, तो नंबरिंग हम पैरेंट चेन लेंगे, पैरेंट चेन जब लेंगे तो वन टू थ्री, अब सेकेंड पर जो सब्स्टिट्यूएंट है पहले उनकी नेमिंग हम कर लेते हैं, तो सेकेंड पर होगा, सेकेंड पर क्या है, ठीक है ट्राई क्लोरो, क्योंकि इस पर क्या है तीन क्या क्लोरीन है, एक और ट्राई क्लोरो, अब ये क्योंकि सीएचथ्री के जैसा है तो हमें इसको क्या करना होगा, मिथाइल लिखना होगा, तो ये क्या होगा ट्राई क्लोरो मिथाइल, ये तो इस सब्स्टिट्यूएंट का कंप्लीट हुआ। अब फर्दर जो हम लिखेंगे तो होगा वन कॉमा वन कॉमा वन कॉमा टू कॉमा थ्री कॉमा थ्री कॉमा थ्री। आई नो ये थोड़ा कुछ ज्यादा ही बड़ा हो गया, बट जो है सो दिख ही रहा है, तो सेकेंड का हमने इसका कर लिया एंड आफ्टर दैट हमें क्या किया, अब सिंस इससे भी तीन क्लोरीन है, इस पर भी एक क्लोरीन है एंड इस पर तीन क्लोरीन है, तो थ्री टाइम्स वन हो गया, मतलब इस कार्बन पे तीनों क्लोरीन है, ये सेकेंड पर एक क्लोरीन हो गया और थर्ड पर तीन क्लोरीन हो गए, और ये तीन एक चार और तीन सात हो गए, इसको हम क्या करेंगे हेप्टा क्लोरीन लिखेंगे। हेप्टा क्लोरो, ठीक है, और फर्दर अब यहाँ पे सी एस थ्री और हम सी एस थ्री मान के चलते हैं, क्योंकि ये अल्केन है तो हम फाइनली क्या करेंगे यहाँ पे लास्ट में हमारा क्या होगा मेथ एथ प्रोप, ये होगा हमारा प्रोपेन। समझ में आया क्या, मैं एक बार फिर से एक्सप्लेन कर देता हूँ, ये थी हमारी सी और इस पर एक सी एल है और सी सी एल थ्री। इनिशियली हमें जब भी नेमिंग करना होता है एक पेरेंट चेन डिसाइड करना होता है, हमने माना कि फर्स्ट सेकेंड थर्ड है, अब सेकेंड पर यह सब्स्टिट्यूएंट है जो कि सिर्फ क्लोरीन के नाम पर हम नहीं कर सकते क्योंकि इस पर क्लोरीन डायरेक्ट एडेड था, इसलिए हम इसको इसमें इंक्लूड कर दिए बट इसको इंक्लूड नहीं कर सकते। अब ये पेरेंट चेन में है सी एल थ्री और ये भी सी एल थ्री, तो इसको हम यहाँ पर लिख सकते हैं बट इसको हम अलग से लिखे हैं एंड दैट इज
सेकेंड पोजीशन पर है ये, तो सेकेंड लिखे। फिर ट्राइक्लोरो, ट्राइक्लोरो मिथाइल, ठीक। एंड फर्दर 1.1.1 मतलब वन कार्बन पे ही तीन क्लोरीन है। एंड फर्दर जब आगे बढ़ते हैं तो सेकेंड पर एक क्लोरीन है एंड थर्ड पर तीन क्लोरीन है, हेप्टाक्लोरो मतलब सात क्लोरो हैं। वैसे भी आप काउंट कर सकते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 हेप्टाक्लोरो। और फाइनली जो हमारी मेन चेन है दैट इज प्रोपेन। इस तरह से होगी इसकी नेमिंग। आइए हम नेक्स्ट देखते हैं, ये होगा, ये क्या है, CH3C। फिर पैरा पोजीशन पर लिखे हैं कि Cl C6H4 होल ट्वाइस अगेन है। फिर सेकेंड मतलब ये होल ट्वाइस है। फिर CH Br and CH3। इसकी मैं ओपन स्ट्रक्चर बनाता हूं पहले, तो आइए इसकी हम स्टार्ट करते हैं स्ट्रक्चर बनाना। ये CH3C फर्स्ट ऑफ ऑल है तो हम इसको बना लेते हैं कि CH3C। और फिर कह रहे हैं कि पैरा पोजीशन पर Cl है इन विच C6H4 का होल ट्वाइस। इसका मतलब यहां पर एक बेंजीन रिंग है जिसके पैरा पोजीशन पर क्या है, क्लोरीन है। सिमिलरली एक डाउन द ग्रुप होगा मतलब डाउन साइड होगा, इसके भी पैरा पोजीशन पर क्लोरीन है। ये दोनों हमने कंडीशन सेटिस्फाई कर दी। आफ्टर दैट है CH एंड इस CH से है एक Br एंड एक CH3। ये हो गई हमारी इसकी ओपन स्ट्रक्चर। अब हमें क्या करना है, अब हमें इसकी नंबरिंग करनी होगी। तो नंबरिंग स्टार्ट करते हैं 1, 2, 3 and 4 क्योंकि सेकेंड ब्रोमो सबसे पहले आएगा। अब हम जब इसकी नेमिंग करेंगे तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या लिखेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल लिखेंगे हम कि 2 ब्रोमो है। यहां पर नेमिंग करता हूं मैं, ये क्या है 2 ब्रोमो। फिर 3.3, अब ये डाइफिनाइल हम नहीं लिखेंगे, हम यहां पर 20 यूज करेंगे, BIS 20। ये 2 है तो 20 करते हैं। अगर ये 3 होता सिमिलर और यहाँ पर CH3 बजाय सिर्फ यही और ग्रुप होता तो हम इसके लिए ट्रिस यूज करते हैं। ट्रिस मतलब TRIS, इसका मतलब होता है 3, ठीक है। तो ये क्या होगा 2 ब्रोमो 3.3 20। अब हमें इसकी नेमिंग करनी है तो 1, 2, 3, 4 ठीक है, 4 क्लोरो फिनाइल। हमने 20 लिख दिया, इसका मतलब हो गया है कि 3.3 पर ये 2 टाइम्स है 4 क्लोरो फिनाइल, ठीक है। और फर्दर हम पेरेंट चेन लिखेंगे तो 1, 2, 3, 4 चार कार्बन है तो ये क्या हो जाएगा, ब्यूटेन। ये हो जाएगी हमारी नेमिंग। टू ब्रोमो, टू पर है ब्रोमो, 3.3 20, 4 क्लोरोफिनाइल। इसकी भी हमने साइड में नंबरिंग की, फिर उसको 4 क्लोरोफिनाइल लिखा एंड देन हमने लास्ट में पेरेंट चेन लिखा ब्यूटेन, ठीक है। तो ये थी हमारी क्वेश्चन, ये थी हमारी क्वेश्चन 5। अब इसका लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 हम डिस्कस करते हैं। जो क्वेश्चन 6 है दैट इज CH3 होल थ्राइस सी, मतलब इसी कार्बन पर क्या है होल थ्राइस है सी। फिर CH डबल बॉन्ड CCl इसको क्या हुआ,
ये क्या था हमारा सी एल सी एच टू नो सॉरी ये सी एच थ्री होल थ्राइस सी, फिर फर्दर सी एच डबल बॉन्ड सी, यहाँ पर सी एंड देन ये है क्लोरो, मतलब यहाँ पर है सी एल और यहाँ पर सी सिक्स एच फोर आई है, वो भी आई जो है वो पैरा पोजिशन पर है, मतलब कुछ इस तरह का है और इसके पैरा पोजिशन पर हमारा क्या है आई है। ये होगी हमारी इसकी क्या ओपन स्ट्रक्चर, ठीक है। अब आइए इसकी नेमिंग देखते हैं क्या होगी। तो बिफोर दैट हमें क्या करना होगा नंबरिंग, तो ये वन टू थ्री एंड फोर दिस इज लॉन्गेस्ट चेन। वन पर अब क्या है क्लोरो, अल्फाबेटिकली चलेंगे वन क्लोरो, फिर अगेन वन पर ही है, वन पर क्या है इसकी नवी हम करते हैं तो ये क्या होगा वन टू थ्री फोर, वन पर क्या है फोर आयडो फिनाइल, वन पर क्या है हमारा फोर आयडो फिनाइल। फर्दर जब हम आगे बढ़ेंगे तो थ्री कॉमा थ्री, अब इसकी हमारी नेमिंग होगी क्या होगी फोर आयडो फिनाइल। अब फर्दर जब हम आगे बढ़ेंगे तो क्या थ्री कॉमा थ्री डाइमिथाइल, थ्री कॉमा थ्री डाइमिथाइल एंड जो पेरेंट चेन है वन टू थ्री फोर वो है ब्यूट, ब्यूट पर क्या वन पर इन है तो ब्यूट वन इन, ये हो गई हमारी कंप्लीट नेमिंग। वो क्या वन क्लोरो वन पर ही है फोर एडो फिनाइल थ्री कॉमा थ्री डाई मिथाइल ब्यूट वन इन, दिस इज आवर आंसर। तो ये थी हमारी 10.2। एक्चुअली इस चैप्टर में कुछ ज्यादा ही नेमिंग दे दिया, ऊपर 12 क्वेश्चन थे, अभी अभी और है। देखिए इन दिस केस हमें जस्ट इसका अपोजिट रिवर्स केस करना है, आइए देखते हैं रिवर्स केस में क्या है। 10.3 10.3 में क्या है टू क्लोरो थ्री मिथाइल पेंटेन। अब जब भी आपको नेम आईयूपीएससी की इवेंट करके आपको स्ट्रक्चर दे दिया जाए तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि जो लास्ट में है गिवन वो आपकी पैरेंट चेन होगी, तो लास्ट में क्या है ये पेंटेन है। तो ये फर्स्ट ऑफ ऑल हम पांच कार्बन बनाते हैं वन टू थ्री फोर एंड फाइव। अब क्या कह रहे हैं टू पर है क्लोरो, तो यहां पर हमने टू पर लगा दिया क्लोरो और थ्री पर मिथाइल, और थ्री पर मिथाइल मतलब सी एच थ्री, ठीक है। तो ये हो जाएगा आप नंबरिंग करके आईयूपीएससी नेम देखेंगे तो भी तो एग्जैक्टली यही है, तो ये हो जाएगा मतलब टू क्लोरो थ्री मिथाइल पेंटेन। सेकेंड क्या है सेकेंड है पैरा ब्रोमो क्लोरो बेंजीन, फर्स्ट ऑफ ऑल ये बेंजीन हमने बना लिया। अब क्या करना है कि पैरा पोजीशन पर ब्रोमो होने चाहिए, पी का मतलब पैरा, हमने पैरा पर ब्रोमो लगा दिया। अब किसके रिस्पेक्ट में हमें पैरा पर ब्रोमो लगाना है दैट इज क्लोरो, तो इसके पैरा पर हम क्लोरो अगर लगा दें तो क्या हो जाएगा पैरा ब्रोमो क्लोरो बेंजीन नहीं हो जाएगा। पैरा पर ये ऑर्थो होता है ये मेटा होता है ये पैरा होता है, तो पैरा ब्रोमो क्लोरो बेंजीन ये हो जाएगा आपका स्ट्रक्चर। नेक्स्ट वन क्लोरो फोर इथाइल साइक्लोहेक्सेन, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या बनाना होगा साइक्लोहेक्सेन, तो हम फर्स्ट ऑफ ऑल साइक्लोहेक्सेन बना लेते हैं, ये हो हमारी साइक्लोहेक्सेन। अब वन पर हम क्या रहे क्लोरो है, यहाँ पर हमने क्लोरो लगा दिया इसकी नेमिंग हमने वन कर दी, ये वन टू थ्री फोर फाइव एंड सिक्स, वन पर क्लोरो है, फोर्थ पर क्या है इथाइल है, इथाइल का मतलब सी एच टू एंड सी एच थ्री, ये हो जाएगा स्ट्रक्चर हमारा थर्ड का।
अब फोर्थ देखते हैं, फोर्थ पर क्या है, टू डैश टू क्लोरोफिनाइल वन आइडो ऑक्टेन। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या करना होगा, ऑक्टेन बनाना होगा, ठीक है। तो देखते हैं ऑक्टेन बनाते हैं, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 ऑक्टेन हमारा बन गया। वन पर क्या है, आयोडो, मतलब इसी कार्बन पे है हमारा आयोडीन, ठीक है। वन पर हो गया हमारा आयोडो, इसी से नंबरिंग हम स्टार्ट करते हैं। ये जगह 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8, ठीक है। वन पर हो गया हमारा आयोडो, ऑक्टेन ये हो गया। अब फर्दर जब आगे बढ़े तो सेकेंड नंबर पर क्या है, सेकेंड नंबर पे है ये, होगा सेकेंड नंबर, फिर इस पर क्या है, टू क्लोरोफिनाइल। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम फिनाइल बना लेते हैं, और ये हमारी फिनाइल होगी, और इस पे जब हम नंबरिंग करेंगे तो इधर से करेंगे तो 1 2 सेकेंड पोजीशन पर ये आएगा, तो सेकेंड पोजीशन में हमें क्या लगाना है, क्लोरो मतलब क्लोरीन। ये होगी आपकी स्ट्रक्चर, इस स्ट्रक्चर की आप जब नेमिंग करेंगे तो ये क्या आएगा, टू डैश टू क्लोरोफिनाइल, मतलब इसका मतलब ये होता है कि जो आपकी पेरेंट चेन है उस पे सेकेंड नंबर पर टू क्लोरोफिनाइल है एंड फर्स्ट नंबर पे ही आयोडो है, मतलब आयोडीन है फर्स्ट कार्बन पे, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। ये हो गया हमारा। अब नेक्स्ट चलते टू ब्रोमो ब्यूटेन, एकदम इजी सा। अब इसको भी अगर कोई न कर पाए तो आईने के सामने खड़ा होके बोले कि मैं ही ऐसा क्यों हूं। टू ब्रोमो ब्यूटेन ये होगा हमारा क्या, टू ब्रोमो ब्यूटेन, एकदम इजी सा क्वेश्चन। ये हो गया फिफ्थ हमारा। अब देखते हैं सिक्स, फोर्थ पर क्या है, टर्सरी ब्यूटाइल, टर्सरी ब्यूटाइल थ्री आयोडो हेप्टेन। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या बनाना होगा, हेप्टेन बनाना होगा, हेप्टेन का मतलब सेवन कार्बन होंगे किसमें, मेन चेन में। 1 2 3 4 5 6 एंड ये हो गया आपका सेवन। थ्री पर है हमारा आयोडो, मतलब अगर नंबरिंग हम इधर से स्टार्ट करें 1 2 3 4 5 6 7 तो थ्री पर हमारा आयोडो, ये हमने लगा दिया आयोडो। फोर्थ पर है हमारा टर्सरी ब्यूटाइल, फोर्थ पर हमारा टर्सरी ब्यूटाइल, ये क्या हुआ, सी सी एस थ्री सी एस थ्री एंड सी एस थ्री, ये होगा थ्री आयोडो। फोर्थ पर क्या है हमारा, टर्सरी ब्यूटाइल, थ्री आयोडो हेप्टेन, ठीक है। ये हो गई हमारी स्ट्रक्चर किसकी, सिक्स क्वेश्चन की। अब आइए नेक्स्ट सेवेंथ देखते हैं, वन ब्रोमो फोर सेकेंडरी ब्यूटाइल, इसमें सेकेंडरी ब्यूटाइल पढ़ते हैं, सेकेंडरी ब्यूटाइल टू मिथाइल बेंजीन। अब इन दिस केस जो है पेरेंट चेन वो है हमारी एक तरह की बेंजीन है, आइए बेंजीन बनाते हैं हम। अब ये होगी हमारी बेंजीन। अब इस पर हमें क्या करना है कि वन पर ब्रोमो लगाना है, हमने वन पर क्या किया, ब्रोमो लगा लिया। इसके रिस्पेक्ट में फोर्थ पर सेकेंडरी ब्यूटाइल टू मिथाइल होना चाहिए, फोर्थ पर क्या होनी चाहिए, सेकेंडरी ब्यूटाइल एंड टू पर होना चाहिए मिथाइल, तो टू पर हम मिथाइल लगा लेते हैं। मान लेते हैं नंबरिंग इधर से स्टार्ट करते हैं 1 2 3 4 5 एंड 6। अब फोर्थ पर हमें सेकेंडरी ब्यूटाइल लगाना है, सेकेंडरी ब्यूटाइल आपको पता है सी एच सी एच थ्री सी एच टू एंड सी एच थ्री, ये होगा आपकी सेकेंडरी ब्यूटाइल, ठीक है। तो ये होगा आपका आंसर क्वेश्चन नंबर सेवन का। ये अगर आपको आईयूपीएसी गिवन हो ना तो स्ट्रक्चर बनाना उससे भी आसान होता है जितना आपको फ्रॉम स्ट्रक्चर टू आईयूपीएसी जाना होता है, अगर आपको चीजें आती हैं तो।
वैसा नहीं है कि आपको आता ही नहीं और आप कुछ भी सोचे, तो इन दैट केस आपको एक ही चीज होता है, प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस। क्वेश्चन नंबर 8 पर देखिए, 1.4 डाई ब्रोमो ब्यूट 2 इन, ये यहाँ पे एल्कीन की एंट्री हो गई है। यहाँ पे क्या है, ब्यूट है मतलब चार कार्बन होंगे, चार हमने बना लिया। सेकेंड पोजीशन पर हमने इन लगा लिया और 1 पर क्या है, 1.4 डाई ब्रोमो है, तो यहाँ पर ब्रोमीन है एंड यहाँ पर क्या है, ब्रोमीन। दिस विल बी आवर 8th आंसर, ठीक है। तो ये थी हमारी रिगार्डिंग नोमेनक्लेचर। फर्दर अब हम एक और वीडियो बनाएंगे जिसमें हम इसके आगे के क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। एक्चुअली ये सिर्फ कहने को 3 क्वेश्चन है, अगर देखा जाए तो 12 फर्स्ट क्वेश्चन में है, 6 है सेकंड क्वेश्चन में एंड 8 है इसमें, तो 12, 6, 18 एंड 8